मैं एक A4 साइज़ का पेपर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और ड्राइंग स्टार्ट करेंगे पेपर के टॉप से, ताकि जो पूरी बॉडी है वो इस पेपर पे आ सके। तो स्टार्ट करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करने से। बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ करना है, सर्कल को परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक कर्व लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे बेसिकली हम फोरहेड, नोज, लिप्स, चिन, इनकी जो पाथ होती है ना, वो यही लाइन डिसाइड करती है, और हम वो सारी चीज़ें इन्हीं लाइन इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद फेस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर्व लाइन होगी। ये इसके हेड का फ्रंट पोर्शन है, और इसका जो हेड का जो पीछे का पार्ट है वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसके हेड का जो प्रॉपर पूरा जो शेप है वो ड्रॉ कर लिया है। तो अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हम लूफी को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हर एनिमे मेल कैरेक्टर पे अप्लाई होता है। तो अभी जो ये स्ट्रक्चर है, ये गाइडलाइन, इसको जब हम ड्रॉ कर लेंगे पूरा, उसके बाद इसके ऊपर हम लूफी को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसके नेक, यहाँ पर इसके शोल्डर्स आ जाएंगे ऐसे। तो ये इसके हेड का फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे हम आइज ड्रॉ करेंगे, और ये उसका शोल्डर है। ये आप ये ध्यान में रखना कि जब आप इसके शोल्डर ड्रॉ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइड मत रखना इसको, बस ये ध्यान में रखना कि जो इसका हेड है ना, तो हेड से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। फिर इसका जो अपर बॉडी है वो ड्रॉ करेंगे, टोर्सो जिसको कहते हैं। तो ये इसके चेस्ट का जो साइज होगा वो इसके हेड, ये जो हेड का जो हमने ये फ्रंट पोर्शन का जो साइज़ है ना, जो लेंथ है, वही लेंथ होगी इसके चेस्ट की। ये और ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ जो हमने मेज़र किया था ना, वही साइज़ होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल ही परफेक्टली मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके आपको फ्री हैंडेडली ये सारी चीज़ें मेज़र करनी है, और ऐसे ही फ्री हैंडेडली ड्रॉ करते रहना है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम एब्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इसके लेग्स हम जो ड्रॉ करेंगे यहाँ से।
यहाँ पे इसके नीज, उसके बाद हम इसके हैंड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसके वेस्ट के साइड में हम इसके एल्बोज ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे फिर इसकी फेस्ट। और एक इस हाथ की जो है एल्बो होगी वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे दूसरी फेस्ट, तो लूफी की बॉडी की स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी कर लिया। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप उस टाइम को मेंशन करके और कमेंट में मुझसे पूछ लेना, और फिर अब हम इस गाइडलाइन के ऊपर लूफी को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आप शार्प टिप पेंसिल का यूज़ करना। आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो या फिर अपने नॉर्मल पेंसिल को ही शार्प कर सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस गाइडलाइन के ऊपर जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो वो क्लियरली विजिबल होंगी। तो लूफी का जो फेस का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी राउंड है, तो हम भी उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। पे इसकी चिन,
तो लूफी की स्केच तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब अंदर की जो गाइडलाइन है उसको इरेज कर देते हैं और स्केच को क्लीन कर देते हैं।